एमकेएनटी वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पीएनबी एम पासबुक में दो अकाउंट कैसे बनाएं। तो अब तक हमने पीएनबी एम पासबुक के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं और इन वीडियोस के माध्यम से हमारा यहाँ पर ये टारगेट रहता है कि आपके जो भी सवाल हैं कमेंट के माध्यम से आप जो भी सवाल पूछते हैं उन सभी सवालों के जवाब देने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमने आपके सवाल के आधार पर ही बनाया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है और आपके फादर का अकाउंट है, दोनों का अकाउंट है, दोनों का अकाउंट नंबर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अकाउंट्स में आपने मोबाइल नंबर एक ही दिया हुआ है, एक ही नंबर को आपने दोनों अकाउंट में लिंक कराया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, कैसे आप पीएनबी एम पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का एम पासबुक ऐप जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक्ड है, रजिस्टर्ड है, वो सिम आपका जिस मोबाइल में है, जिस भी मोबाइल में आपने वो सिम लगाया हुआ है, उसी मोबाइल पर ही आप पीएनबी एम पासबुक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि मोबाइल पर पहले आप पीएनबी एम पासबुक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसी नंबर पर उसी मोबाइल में ही होना चाहिए वो सिम, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट भी समझना है जिसको कि कई बार हम मिस कर देते हैं और इस पर एक कन्फ्यूजन भी बना रहता है कि आपका कस्टमर आईडी भी ज़रूरी है। जब आप पीएनबी एम पासबुक ऐप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी मांगा जाएगा। कस्टमर आईडी क्या होता है? तो एक बैंक में एक कस्टमर का एक कस्टमर आईडी होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो अकाउंट बना हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, आपका कस्टमर आईडी अलग होगा, आपके फादर का जो अकाउंट बना हुआ है अकाउंट नंबर तो अलग है ही, कस्टमर आईडी भी अलग होगा। तो आप जब एम पासबुक ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप अपना कस्टमर आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर फादर के कस्टमर आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे क्या करना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए आप अपना कस्टमर आईडी एंटर करते हैं और पीएनबी एम पासबुक ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होगा ये कि आपका कस्टमर आईडी से जितना भी अकाउंट पीएनबी में बना हुआ है वो सारे अकाउंट्स वहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर शो नहीं होते हैं तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके बाद आपका जितना भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो सब शो हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है, एफडी अकाउंट है, कोई आरडी अकाउंट है, उस तरह के अकाउंट्स आपके वहाँ पर सारे अकाउंट्स दो या उससे ज़्यादा अकाउंट्स भी शो हो जाएंगे। लेकिन फादर के अकाउंट्स वहाँ पर शो नहीं होंगे क्योंकि उनका कस्टमर आईडी ही अलग है। तो अगर आप फादर के कस्टमर आईडी से ही रजिस्ट्रेशन करते हैं और पीएनबी एम पासबुक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके फादर का जो कस्टमर आईडी है और उनके जितने अकाउंट बने हुए पंजाब नेशनल बैंक में, उन सभी को आप एम पासबुक ऐप के माध्यम से देख सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप अपना और फादर का दोनों का अकाउंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको फादर के अकाउंट में अलग मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा और वो आपको फिर अलग डिवाइस में अलग मोबाइल पर उस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। यानी कि आपको दो मोबाइल नंबर चाहिए, साथ ही साथ दो मोबाइल भी चाहिए, उसके बाद ही आप दो एम पासबुक ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका जितना भी अकाउंट है, दो अकाउंट हो या उससे ज़्यादा अकाउंट हो, उन सारे अकाउंट्स को आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल आ रहा है आपके मन में तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार हमारा जो डिजिटल बैंकिंग प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एम पासबुक से जुड़े बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।